मैं 40 साल से काम करता हूं, ढेर सारे नेताओं के संपर्क में भी आया हूं। नीतीश मोदी जी से बड़ा श्रोता कोई नहीं है और सुनते भी एकाग्रता के साथ है। आप शायद बोलकर निकल जाओगे, भूल जाओगे, मगर 5 साल के बाद वो कहेंगे नहीं भाई पहले तो आपने ये कहा था, अब ये कह रहे हो, क्या हो गया? तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले ये बोला था। बहुत धैर्य के साथ सुनना, ये बहुत बड़ा उनका गुण है। दूसरी बात, एक अंग्रेजी कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वॉटर। व्यक्ति अपने आसपास का ही सोचता है, अपने परिवार जनों का ही सोचता है, परिवार के बाद समाज का सोचता है। यहां पर उल्टा है, उन्होंने कहावत को गलत साबित कर दिया है, इन्होंने समाज को ही अपना परिवार मानकर आगे बढ़े हैं। देश की राजनीति में ऐसा नेता दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पाते जिसके परिवार को कोई जानता ही ना हो, परिवार के किसी व्यक्ति का नाम कहीं पर किसी ने सुना ना हो। तो ब्लड इज थिकर देन वॉटर, ये कहावत को मोदी जी ने गलत साबित किया है। उनकी सोच की दिशा उद्यो दिशा है, वो हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, वो हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर सोचते हैं और वो हमेशा सबसे ज्यादा परिणाम लाने की सोचते हैं। ये उद्योगति की सोच ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। संवेदनशीलता, छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना, देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मोदी जी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली, मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति है, अनन्य राष्ट्रभक्ति। मित्रों, मैंने मोदी जी के साथ सालों से काम किया है, मैं बेरोकटोक किसी झिझक के बगैर कह सकता हूं, हर सोच में देश की सोच सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए आज 130 करोड़ की आबादी के मन में विश्वास है, जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी हम एक महान भारत को देख पाएंगे। ये जो आत्मविश्वास 130 करोड़ में प्रत्यारोपित करने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए हैं, क्योंकि उनके खुद के अंदर अनन्य राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर ईश्वर ने उनको बनाया है। मित्रों, और प्रामाणिकता, पारदर्शिता, इसके बारे में मोदी जी के विरोधी भी उन पर कोई आरोप नहीं कर सकते।